स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आठवीं सातवीं क्लास के गणित का मूल्यांकन कार्यपत्र संख्या 2 जो कि 2 सितंबर के लिए है उसको हल करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आपका इस जो कार्यपत्र है इसमें कुल 7 प्रश्न हैं और कुल अंक है 20। आपको सभी 7 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक जो हैं उसके सामने हैं और सभी आपको करना अनिवार्य। और ये जो प्रश्न है आप पिछले वर्कशीट में हमने जो कुछ भी पढ़ा है पिछले वीक की उसी में से दिए गए। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहले प्रश्न में आपका 4 ऑप्शन है और 4 अंक के हैं, यानी एक ऑप्शन एक अंक का है। तो देखिएगा निम्नलिखित का मिलान करना है, आपके सामने ए बी सी डी 4 हैं, इनका मिलान करना है। मिलान कैसे करते हैं देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। 7/4 / 14/4, इसका जब हम मिलान करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 से। फिर आपका बी है 3/5 × 5/3, ये जाएगा आपका 1 से। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको आंसर्स बता दे रहे हैं, इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपका जो सी है वो 3/4, सी और आपका डी जो है 20/7। तो आपका ये वाला जो है थर्ड वाला ये किसी से नहीं मिला है, 4 है, यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए थे तो हमने देखिए 4 ऑप्शन मिला लिए भिन्न को। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए। अब देखिए छायांकित भाग के लिए क्या, ये पूरा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 से यहाँ पे 6 खाने हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यह जो खाना है यानी ये पूरा सर्कल है, सर्कल को हमने ऐसे जानले कर दिया। ये जो ये 1 यानी 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, तो 4 खाने हो गए। तो 4 में से केवल क्या है, 3 खाने ही छायांकित हैं, 1 तो इसका हो जाएगा, इसके लिए विभिन्न हो जाएगी 3/4। या आप इसको भी कर देंगे ना तो देखिए सारे खाने बराबर हो गए, तो आप 6/8 हो जाता, 6/8 को जब सरल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसके लिए भिन्न हो जाएगी ये। अब दे रहा है कि उसी भिन्न को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाइए, इसमें भी आप क्या करिए, मान लीजिए ऐसे 4 खाने बना लीजिए, इधर से 8 हो गए, तो यहाँ तक के जो खाने हैं इनको आप ऐसे ऐसे कर दीजिए थोड़ा। आपने क्या किया, 1, 2, 3, 6 खाने आपने क्या किया, 6/8 आप आपने छायांकित कर दिया इस तरह से इसको। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैटर्न में अगली संख्या लिखिए, देखिए आधा होती जा रही है, 10 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा हो जाएगा 12.5। आप बता रहे हैं कि आधा आधा जिसे हाफ हो जा रहा है। अब आपका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, किलोग्राम में आपको लिखना है। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम। तो आपको 4920 ग्राम है, तो इसको क्या करना है आपको ग्राम में बदलना है। देखिए 0-0 से कट गया, 2-0 मतलब यहाँ हमने दशमलव लगा दिया, यानी 4.92 kg आपका पहले का आंसर, 4.92 kg इसका हो गया। अब हम अगले पे चलते हैं, 3 kg 500 ग्राम, तो 3 kg मतलब 3000 ग्राम,
500 का हो गया, 500 टोटल हो जाएगा कितना 3500 ग्राम, और 1000 से जब करेंगे दो कट गया ये तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 kg। ये आपका ये वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, फिफ्थ है। इसमें दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात, यानी आपके देखिए यहाँ पे लुप्त कुछ संख्याएं यहाँ पे उनको ज्ञात करना। तो आपका जो ये है 2 सही 2/5 प्लस 2 सही 2/5 ही आएगा, फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सही 2/5 लुप्त है। आप ये लिखेंगे 2 सही 2/5 कैसे, देखिए 5 × 10 = 12 ये 3/5 होगा, सॉरी यहाँ 3/5 होगा, 12/5 प्लस 5 × 10 = 13 13/5 तो 13/12 कितना हो गया 25/5 तो 5×25 आपका उत्तर आ गया ना। इसका मतलब आप जो भर रहे हैं यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे आप भरेंगे 2 सही 3/5। दूसरे वाले में आपका भरेंगे यहाँ पे आएगा 45/4 यहाँ 45 आएगा, 45 अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यदि एक महीने में डाटा पैक की कीमत 20 विद्यार्थियों के लिए 800 है, यानी आपके मान लीजिए क्लास हैं उसमें विद्यार्थियों के लिए डाटा पैक मंगाया जा रहा है और 20 विद्यार्थी हैं और उनके डाटा पैक की कीमत है कितनी 800, तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे 20 से भाग देंगे, 20 00 कट गया, 2 × 4 2 × 4 = 4 40, यानी पर स्टूडेंट कितना आ गया खर्चा 40 रुपी। आपका उत्तर आ जाएगा 40। अब देखिए सातवां प्रश्न है, ये भी 3 अंक का है। नीचे दिए गए चित्र में से 1/3 भाग छायांकित है, देखिए एक पूरा ये स्क्वायर है, इसमें 4 भाग है, सॉरी 3 भाग है चतुर्भुज की, और उसमें एक ये वाला है छायांकित है, यानी इसको हरे रंग से कर दिया गया है, रंग दिया गया है, बाकी तो खाली है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, समान भिन्न आकृति वाली 3 आकृति बनाना है। तो जैसे आप मान लीजिए आपने क्या बनाया, एक वृत्त बना लिया, वृत्त को ऐसे ऐसे, मतलब 3 भाग यहाँ देखिए इसके 3 हो गए, एक आध थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ। तो आप एक को कोसी को इसको क्या करेंगे, मान लीजिए इसको आपने कलर कर देना है बस, तो ये इसी बराबर हो गया क्योंकि 1/3 भाग आपने क्या किया कलर कर दिया, हो गया। ऐसे ही आप एक कोई आयत बना लीजिए, तीन हो गया, अब उसमें से एक भाग, मतलब ये मैं स्केल पे नहीं बना रहा हूँ, आप स्केल पे बनाइएगा, तो आप उसमें से एक भाग को क्या करिए डार्क कर दीजिए, 2 चित्र हो गया। ऐसे ही कोई और आप आकृति बना लीजिए चतुर्भुज की या हो गया, अब इसका कोई आप एक भाग उठा के डार्क कर देना है और इस तरह से आकृति बन जाएगी। तो छात्रों आपके सातवीं क्लास की मैथ की असेसमेंट वर्कशीट ही कंप्लीट होती है, इसे करके आप अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।